के लिए अन्य स्थानों पर उनका निष्पादन करना पड़ता है, वो जगह इसके लिए निश्चित की जाएगी। अगर वो जगह सुटेबल नमस्कार, मेरा नाम सुनील सोनी है और आप पोल कोल पोस्ट देख रहे हैं। जैसा कि आपको बता दें कि सीटाडेल इन दिनों काफी चर्चाओं में है कचरा को उठाने को लेकर, क्योंकि नगर निगम का काम होता है कचड़े को एक जगह झाड़ू लगाकर एकत्रित कर देना और सीटाडेल का काम है कचड़े को उठाकर उसे ठिकाने लगाना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सीटाडेल जो है अपनी मनमानी पर पूरी तरह उतारू है। वो किसी भी अधिकारी को मानने को तैयार नहीं है, ये कोई अधिकारी उसके ऊपर भी है, जिसको लेकर हम आपको सुनाएंगे कि आयुक्त ने क्या कहा है, सिंगरौली आयुक्त ने। चलिए आपको बता दें कि अभी एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो में देख रहे हो कि काफी सारे मवेशी जो हैं खुले में मरे पड़े हैं, एक जगह पे एकत्रित कर दिया गया है। उसको लेकर सिंगरौली आयुक्त ने कैमरे के सामने बोला है कि इसकी हम जाँच कराएंगे और कार्रवाई कराएंगे। आपको बता दें कि जो पूरा जो मामला है बलियरी का है, बैठन का है पूरा मामला, जहां पर मवेशियों को खुले में फेंक दिया गया है, चील कौवे गिद्ध यहां तक कि आवारा जो कुत्ते हैं उनके मांस को नोच कर खा रहे हैं जो मरे हुए मवेशी हैं, और जो इलाके में पूरी तरह से दुर्गंध फैला हुआ है। कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि सीटाडेल आखिर किन कामों का पैसा ले रहा है। कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा होता है कि करोड़ों का ठेका है लेकिन सफाई सिर्फ नाम और मात्र के लिए किया जा रहा है। आखिर इनके जो कर्मचारी हैं, इनके जो मशीन हैं, जो यंत्र हैं, ये कहाँ पे हैं, कहाँ विलुप्त हो गए हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन चर्चाओं में इन दिनों जो सीटाडेल है बहुत ही जोरों पर है, क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये सोचने वाली बात है। जो इसके कर्मचारी हैं काम क्यों नहीं करते हैं, काम से पीछे क्यों भागते हैं, यह सब पूरा जो विषय है जांच का विषय। आइए सीधे हम आपको वीडियो दिखाते हैं जो मरे हुए मवेशी हैं और सिंगरौली आयुक्त ने क्या कहा है। सर, जो मृत पशु हैं सर, इन्हें जहां नगर निगम के द्वारा दफनाने का एक प्रावधान बनाया लेकिन खुले में सर पशुओं को फेंका जा रहा है, सर क्या कहेंगे सर? ये पशुओं की जहाँ तक बात है, MSW जो सिंगरौली में काम कर रहा है उसकी जो क्षमता है उसके अनुसार उसका वहाँ पर वो निष्पादन करते हैं मृत पशुओं का। कई बार ऐसा होता है कि मृत पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए उनके लिए अन्य स्थानों पर उनका निष्पादन करना पड़ता है, वो जगह इसके लिए निश्चित की जाएगी। अगर वो जगह सुटेबल नहीं होगी, नहीं सुटेबल जगह इसके लिए तैयार की जाएगी। तो सर निष्पादन नहीं किया जा रहा, खुले में ही सिर्फ उन्हें डंप कर दिया जा रहा है? नहीं, ये इस चीज़ को ठीक किया जाएगा और अगर हो रहा है तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा।